Now we today discussing about the first chapter. It is called the living world. इसके बात करने वाले हैं हम the living world. Okay. देखो chapter name क्या है? Living world. चैप्टर का नेम है बेटा द लिविंग वर्ल्ड. सभी बच्चे जुड़ जाएं और सभी बच्चे लिख लें एक बार द लिविंग वर्ल्ड. तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने पढ़ेंगे बेटा? पहला, What is living? What is living? Actually living क्या है? दूसरा, कुछ defining features. Defining features. Features. What is living? Defining features. तीसरा, living क्या है, उनके defining feature क्या है, taxonomy and systematics, matrix और taxonomy fields. लो ये हमारे चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं. ये टॉपिक्स मतलब चैप्टर को इस पार्ट्स के साथ में हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने के बाद उनको हम समझ सकते हैं कि ये क्या क्या चीजें. व्हाट इज लिविंग, डिफाइनिंग फीचर, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक और टैक्सोनॉमी एड्स. बहुत छोटा चैप्टर है, सिंपल है और काफी बेस से आप इसको समझ सकते हो और इसको हम समझने की कोशिश भी करेंगे. तो देखो द लिविंग वर्ल्ड से नीट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाता है, ठीक है, और हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चंस आएंगे ही, तो हमें वो करना है. तो बेटा अच्छे से पढ़ते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं. तो देखो सबसे पहले व्हाट इज लिविंग, डिफाइनिंग फीचर्स, टैक्सोनॉमिक एंड सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी एड्स. आ जाइए सभी बच्चे और हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि ये क्या क्या है और इनके साथ में कैसे कैसे हमें समझना है और ये क्यों है. तो सबसे पहली बात करेंगे बेटा हम, सबसे पहला व्हाट इज लिविंग, देन डिफाइनिंग फीचर, देन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स और लास्ट इसको डिस्कस करेंगे बच्चों आप लोग यहाँ पे टैक्सोनॉमी एड्स. इसको डिस्कस करने वाले बच्चों टैक्सोनॉमी एड्स. तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज लिविंग. तो मैं ये तीन पार्ट हटा देता हूं और पहला पार्ट हम यहां रख लेते हैं और उसको समझेंगे व्हाट इज लिविंग. देखो लिविंग का मतलब क्या है, व्हाट इज लिविंग, यानी लिविंग क्या चीज होती है इसके बारे में हमें समझना होगा और लिविंग किसे कहते हैं इसको समझिए. देखो लिविंग जब भी आप लोगों को डिफरेंस करने के लिए दिया जाए और मेरे से पूछा जाए कि यहां पर क्या क्या लिविंग है, तो क्या मार्कर लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है. और मैं कैसा हूं यहां पे? लिविंग. तो दोनों को अगर हम समझने की कोशिश करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मार्कर रेस्पायरेशन नहीं कर सकते, मैं रेस्पायरेशन कर सकता हूं, मार्कर की ग्रोथ नहीं होती, मैं ग्रोथ कर सकता हूं, मार्कर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, मैं रिप्रोडक्शन कर सकता हूं, मार्कर में मेटाबॉलिज्म नहीं होती, मैं मेटाबॉलिज्म कर सकता हूं, मार्कर के पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, मेरे पास कॉन्शियसनेस है. तो अब बताओ मुझे लिविंग कहा जा सकता है? यस. और इसे क्या कहा जा सकता है बोर्ड को? नॉन लिविंग.
तो दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक लिविंग चीजें हैं और दूसरी कैसी चीजें हैं बच्चों, नॉन लिविंग चीजें। ये चैप्टर आपको ये अंडरस्टूड करवाता है कि एक्चुअली में लिविंग होते क्या है और वो लिविंग में क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं जिनके बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग के लिए अगर आप समझोगे तो लिविंग क्या है, जो रेस्पायरेशन कर सके, जो रिप्रोडक्शन कर सके, जो मेटाबॉलिज्म कर सके, जो ग्रोथ कर सके, वो सब लिविंग है। तो सर लिविंग को परिभाषित करने के लिए कोई स्पेशल फिनोमिना भी है कि जिनके बेस पर हम समझ सके कि इस एक्चुअली व्हाट इज लिविंग या लिविंग क्या है। तो देखो सबसे पहले समझो, सुनो, सबसे छोटे अगर हम बात करें तो आते हैं वायरस, ठीक है, जैसे अभी आप प्रेजेंट में सुन रहे हो कोरोना वायरस, बिल्कुल। तो वायरस इज अ लिविंग या नॉट लिविंग, व्हाट इज वायरस, क्या है, आंसर करो बच्चों, वायरस क्या होता है, लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है, बोलिए सर। वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है, एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इतना क्लियर है, बताओ, वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच बेटा, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, ठीक है। तो वायरस तो बाउंड्री पे आ गए जिन्हें ना तो हम लिविंग कह रहे हैं और ना नॉन लिविंग कह रहे हैं। इनसाइड द बॉडी दे शो लिविंग थिंग्स और बाहर की तरफ होंगे तो वो नॉन लिविंग होंगे। अब आगे समझो, आगे समझो बेटा, दूसरी चीज क्या समझने वाले हैं अपन यहां पर बच्चों, जो वायरस के बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो सबसे छोटे, हमें सबसे छोटे लिविंग कौन दिखाई देते हैं, बैक्टीरिया, और सबसे बड़े एलिफेंट। तो यानी इसका मतलब लिविंग के लिए कोई साइज तो डिपेंड नहीं करता, लिविंग छोटे भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और लिविंग बहुत बड़े भी हो सकते हैं। क्लियर है बात बच्चों, लिविंग के लिए ये मेजर नहीं करता कि कोई छोटे हैं तो वो नॉन लिविंग है और कोई बड़े हैं तो वो लिविंग है। क्लियर है बच्चों, तो ऐसे माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन क्या वो लिविंग है क्या, नहीं है बच्चों, ठीक है। अब हमको समझना है कि यहां पर डिफाइनिंग फीचर्स क्या है। तो देखो इसमें हम बेटा चार चीजें सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला ग्रोथ, पहला क्या पढ़ोगे बच्चों, ग्रोथ। दूसरा क्या पढ़ेंगे अपन, मुस्कान, मेटाबॉलिज्म। तीसरा पढ़ेंगे हम यहां रिप्रोडक्शन, और चौथा बेटा लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉन्सियस, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ठीक है, पता चल गया कितनी चीजें हैं, चार है? ऐसे मुंह लटका क्योंकि बैठे रहते पढ़ते लिखते होने तुम लोग हैं, ऐसे बस ऐसा लगता है जाने पता नहीं कितना वजन डाल दिया, मस्त रहा करो, सब पढ़े अच्छे से पढ़ा करो सब लोग। तो देखो चार चीजें हैं बच्चों हमारे पास, चार चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ एक्चुअली क्या है। आज तक ग्रोथ हमें बता दिया गया है ना, बड़े इंटेलिजेंट बन जाते हैं छोटे बच्चों के सामने, ओ दिस प्लांट कैन बी ग्रोथ, तो बच्चे पूछते हैं क्या बोल गया, फिर दोबारा बताइए एक बार, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है,
रिप्रोडक्शन क्या है और कॉन्शियसनेस क्या है तो समझते हैं। ग्रोथ का मतलब हम समझते हैं केवल वृद्धि। अगर कोई चीज छोटी थी और अगर वो बड़ी हो रही है तो उसे ग्रोथ कह दें। अरे वाह, कह सकते हैं फिर इसको ग्रोथ। अब सुनो, आपने देखा होगा कि जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उन माउंटेन्स के ऊपर लगातार मिट्टी के जमने से या और कुछ डिपोजिशन होने पे उन माउंटेन्स की तो ग्रोथ हो रही है ना, यस या नो, होती है ना। तो क्या उसे भी हम लोग लिविंग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कह सकते कि ना? नहीं कह सकते। उसे हम नॉन लिविंग कहेंगे। अब कैसे? तो सर ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ सेल एंड ऑर्गन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड अमन यादव, शानदार डेफिनेशन। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सपोज करो बेटा, अगर किसी सेल के अंदर का साइज पहले 2 सेंटीमीटर था, कितना था? 2 सेंटीमीटर, और आफ्टर 1 वीक वो 5 सेंटीमीटर की हो गई, तो इसका मतलब सेल का साइज इंक्रीज हुआ है, यस या नो? बिल्कुल हुआ है। तो जब सेल का साइज इंक्रीज हुआ है तो वो एक लिविंग मैनर में है, लिविंग में है। तो ग्रोथ बेटा 2 तरह की होती है, एक तो होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल, ठीक है? तो देखो सुनो, ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ किसी भी चीज का बढ़ना है, लेकिन लिविंग के फेज में कौन सी ग्रोथ होगी और नॉन लिविंग के फेज में कौन सी ग्रोथ होगी? तो ग्रोथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स बच्चों? 2 पार्ट। पहला है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और एक होता है बेटा एंटोसुपेटेशन। एंटोसुपेटेशन, ठीक है, ओके। और एक एक्सट्रेंसिक ग्रोथ को अपन कह सकते हैं एक्रिएशन, बिल्कुल कह सकते हैं बच्चों एक्रिएशन, ACREATION, एक्रिएशन, एंटोसुपेटेशन और एक बच्चों एक्रिएशन। एंटोसुपेटेशन, ठीक है, ये 2 तरह की ग्रोथ हम यहां देखने को मिलेगी, ओके। अब यहां क्या समझेंगे अपन यहां पर बच्चों? तो एक्रिएशन का मतलब क्या है और एंटोसुपेटेशन का मतलब क्या है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो समझो बच्चों क्या क्या है। सबसे पहले देखो, अगर कोई माउंटेन है, ये पहाड़ है, पहाड़ है, इस पहाड़ पर सबसे ज्यादा मान लीजिए हर साल यहां कुछ डिपॉजिट होता रहता है, सॉइल की लेयर्स डिपॉजिट होती रहती है और ये इससे इसकी माउंटेन की हाइट बढ़ती जा रही है, तो बेटा ये तो ग्रोथ हो गई ना, ये क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। लेकिन क्या ये इंटरनल ग्रोथ है या एक्सटर्नल ग्रोथ है? दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ग्रोथ। बोलो बच्चों क्या कहा जाएगा इसको? एक्सटर्नल ग्रोथ कह देंगे। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। और इसके साथ अगर अपन देखेंगे तो ये ऐसा लग रहा है ना जैसे मटेरियल ऐड होता जा रहा है, कुछ चीजें जुड़ती जा रही है, बिल्कुल सही है। तो एक्सटर्नल ग्रोथ को अपन यहां देख सकते हैं कि ये क्या पार्ट है, तो इसको क्या कहा जाता है एक्सटर्नल ग्रोथ, और इसी को कहते हैं एक्रिएशन।
एट क्रिएशन। एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों? माउंटेन, माउंटेन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर, अगर माउंटेन में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ नहीं होती, तो हम उसे नॉन लिविंग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? नॉन लिविंग कहेंगे। ओके बच्चों, तो नॉन लिविंग है क्योंकि यहां एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, नॉन लिविंग। ओके, अब दूसरी चीज समझते हैं। अगर मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग्स, एक चाइल्ड है जो 5 इयर्स में 1 फीट का था, 1 फीट का था, और जब वो 10 इयर्स का हुआ तो वो 3 फीट का था। तो समझो बच्चों, एक बच्चा 5 साल में 1 फीट का था, लेकिन मान लीजिए 10 साल में वो 3 फीट का था, तो अब उसमें ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है बच्चों? हुई है। तो वो ये जो ग्रोथ हुई है, इस ग्रोथ को अपन कहते हैं इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। लिखो बच्चों, क्या कहेंगे? इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, तो जब ये इंटरनल ग्रोथ करता है, समझ आ रहा है मेरी बात को? जब ये इंटरनल ग्रोथ करता है तो ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैसा है बच्चों? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इंटरनल ग्रोथ कहां देखने को मिलती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, इतना क्लियर है क्या? सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करें बेटा। नितेश, अरीना, अमन, मुस्कान, हिमांशु, एक बार सभी बच्चे वीडियो ऑन करें बेटा अपना। सबको बोल रहा हूं मैं, सभी अपना वीडियो ऑन करें। हिमांशु, तनु, अनीशा, अंकित, रिया, वेरी गुड। अनीशा आपका करिए, रिया आप भी करिए, रोहित यादव, मोहित यादव, विवेक, अंकित सिंह, सभी कर लीजिए बेटा। ओके, कुछ बच्चों ने नहीं किया। अनीशा, मोहित, देखो बार बार बोल रहा हूं, सब वीडियो ऑन करें पहले एक बार। जो वीडियो ऑन नहीं करेगा फिर उसको हम यहां से ब्लॉक कर देंगे। करो बेटा जल्दी। बिल्कुल, अरीना शेखावत आ गई, मोहित यादव, मोहित जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं है, टाइम मत खराब करो, आगे बढ़ेंगे। मोहित, विवेक, नितेश, अमन, आप तो गुड स्टूडेंट हो बेटा, ऑन करो। अमन यादव, मुस्कान, नितेश, देख कितना कहने के बाद भी नहीं कर रहे। वेरी गुड, अमन यादव करो, मोहित, वेरी गुड, अंकित सिंह, अंकित सिंह, ओके ठीक है, सभी बच्चे आ गए बेटा। सभी अपना वीडियो ऑन रखे तो आपका इंटरेक्शन पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, और उसको थोड़ा सा अपन कंसंट्रेट भी कर पाएंगे। पर पता नहीं आप लोगों को क्या रहता है, कुछ प्रॉब्लम है, बंद करके रखते हैं। ये स्क्रीन इसीलिए है बेटा कि आप लोग देख पाए इसको अच्छे से, समझ पाए? हाँ, ग्रोथ माउंटेन में भी हो रही है, चाइल्ड में भी। चाइल्ड में जो मेंटली ग्रोथ होती है उसे इंटरनल ग्रोथ बोलना चाहिए, बिल्कुल कह सकते हैं। कुछ जो जो बच्चे जिनके अंदर मेंटली ग्रोथ हो रही है बेटा, वो इंटरनल ग्रोथ ही हो रही है उसका, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, हम लिविंग थिंग्स के लिए जो यूज करेंगे, जो हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज करेंगे, वो इंटरनल ग्रोथ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? वी यूज इंटरनल ग्रोथ। तो यहां पर हम इंटरनल ग्रोथ को यूज करेंगे बच्चों, ठीक है, एक मिनट। तो यहां हम इंटरनल ग्रोथ को ही यूज करेंगे, इतना समझ लीजिए। तो इंटरनल ग्रोथ फॉर, इंटरनल
ग्रोथ ओनली फाउंड इन लिविंग। इंटरनल ग्रोथ ओनली कहां पाई जाएगी बच्चों? लिविंग्स में। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ तो वहां पूछ लो, हाँ वहां से पूछो, गोविंद और कुलदीप का घर कौन सा है, वहां पे दिया होगी है ना, उनके घर पे दे दो। अब देखो बच्चों, यहां से इंटरनल ग्रोथ हुआ, ओके। अब यहां से हम समझे तो क्या ग्रोथ को मैं डिफाइनिंग फीचर कह सकता हूं? देखो, डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है जो केवल केवल जो केवल ओनली लिविंग बीइंग के लिए ही डिसाइडेबल। तो क्या ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो लिख लीजिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग डिफाइनिंग फीचर। लिख लो, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। ठीक है बच्चों, ग्रोथ क्या नहीं है? एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इतना क्लियर है ना? ओके, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। ओके, आप मेरी बात सुनो सर, ग्रोथ हमारे अंदर ऑर्गन्स में होती है, बिल्कुल होती है। लीवर बेटा ग्रोथ करता है ना, कई बार लीवर बढ़ जाता है तब डॉक्टर बोलता है आपका लीवर बहुत ग्रोथ कर रहा है। तो ग्रोथ हमारे ऑर्गन्स में होती है, सेल्स में होती है, टिश्यूज में होती है, ठीक है? तो इंटरनल ग्रोथ होती है सर, इंटरनल ग्रोथ इज यूज फॉर लिविंग थिंग्स और एक्सटर्नल ग्रोथ इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। इतना क्लियर है क्या बच्चों? बिल्कुल सही। तो यहां पर हम आगे समझेंगे इस चीज को कि ये क्या क्या है बेटा। आगे आइए, क्योंकि सेल डिवाइड करती है तो हम ग्रोथ कर ही रहे हैं उसके साथ में, दूसरी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्शन, ले लेते हैं पहले। पहले हम क्या ले लेते हैं? रिप्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर मेटाबॉलिज्म की बात। देखो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कहते ही बच्चों को समझ में आता है कि हाँ सर ये तो लिविंग का है, बिल्कुल है सर, क्योंकि रिप्रोडक्शन कौन करता है? लिविंग करता है। कभी हमने माउंटेन का बच्चा नहीं देखा, ठीक है? देखा है क्या? नहीं देखा। हाँ, तो ह्यूमन बीइंग्स में, डॉग्स में सबके बच्चे देखे, पर हमने कभी मार्कर का बच्चा नहीं देखा, बोर्ड का बच्चा नहीं देखा। तो इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हाँ, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन करते हैं। तो कैसे सर? रिप्रोडक्शन को क्या हम डिफाइनिंग फीचर कह दें? ना, भी नहीं कह सकते। दुनिया का अपवाद बहुत है ना, आप सारे अच्छे बच्चे हो लेकिन शर्म नहीं लेकर, तो कुछ अपवाद तो है ही, ठीक है बच्चों? तो यहां एक्सेप्शंस हैं। तो इसको समझो, रिप्रोडक्शन जो होता है उस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है बेटा? कोई अपने आप को बनाता है, रिप्रोड्यूस करता है। क्या करता है बच्चों? वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं शो करते, जैसे हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या हो गया? हाइब्रिड का मतलब बच्चों, एग्जांपल म्यूल, म्यूल, म्यूल इज ए खच्चर। आप लोग वैष्णो माता के गए हैं क्या? ठीक है, हाँ। तो वैष्णो माता के जब आप लोग गए हैं तो आप लोगों ने वहां देखा होगा म्यूल खच्चर। तो ये म्यूल का जन्म कैसे हुआ? ये नेचुरली नहीं हुआ बच्चों, इसके लिए हमने क्या किया? फीमेल हॉर्स
फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी, गधा, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी, ठीक है, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के बीच में हमने क्या करवाया, फ्यूजन करवाया गैमेट्स का, रिप्रोडक्शन करवाया। तो क्या ये नेचुरली प्रोसेस में जरूरी था? नहीं था, ऐसा तो नहीं हो सकता था, लेकिन हम इन ए लैब तो हमने इसको कहां करवाया बेटा, लैब में करवाया फर्टिलाइज, और फर्टिलाइज करवाने के बाद इसको हमने ट्रांसप्लांट कर दिया। तो ये बेटा क्या हुआ, इससे जो प्रोडक्शन हुआ वो किसका हुआ, म्यूल का हुआ। अब सर हमने म्यूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि हॉर्स के पास पावर है और जो डोंकी है उसमें वजन ले जाने की क्षमता है। तो हमने दोनों को कैरेक्टर एक ही में लिया है कि जिसमें थोड़ी पावर भी हो और वजन भी बहुत सारा ले जा सके। तो उसके लिए हमने क्या बनाया बच्चों, म्यूल बनाया। लेकिन म्यूल अपनी आगे की जनरेशन पैदा नहीं कर सकते क्योंकि वो कैसे है बच्चा, स्टरलाइल, स्टरलाइल, स्टराइल। तो बेटा स्टरलाइल क्यों है वो, क्योंकि वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो अपने जैसे आगे नहीं बना सकते। हमें बनाना होगा तो वो लैब में ही बनाएंगे वापस से, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के बीच में क्रॉस करवा करके। क्लियर है बात? एक और एग्जांपल बच्चों, हनी बी खूब पढ़िया है। हनी बी में क्या होता है, एक मेल होता है, ठीक है, जिसको अपन ड्रोन कहते हैं, एक क्वीन होती है और वर्कर्स होती है। क्या होते हैं बेटा, वर्कर्स। तो वर्कर बीज लिख लीजिए बच्चों। भाई रिप्रोडक्शन तो सभी करने चाहिए था ना, लिविंग है तो, म्यूल भी लिविंग है, वर्कर बी भी लिविंग है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे। तो वर्कर बीज, ठीक है, ये भी स्टरलाइज होते हैं। एग्जांपल में लिख लीजिए, कुछ ह्यूमन बीइंग्स जो मेल या फीमेल में या तो गोनड्स डेवलप नहीं हो पाते या उनमें गैमेट नहीं बन पाते, ठीक है, देखो बच्चों, वर्कर बीज, वाय हॉर्स नॉट सेट, अमन ऐसा नहीं है कुछ समझ, ये बस हम लोग वैसे जनरली पूछ लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो, तो देखो इसमें वर्कर बीज जिनको हम स्टरलाइज कह रहे हैं, तो यहां पर आप लोग देखते हो कुछ एग्जांपल, इनफर्टाइल ह्यूमंस, लो बच्चों, ऐसे मनुष्य जिनमें फर्टिलाइजेशन के लिए या तो गैमेट्स नहीं बनते या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पाते, तो उनको भी तो आप लिविंग ही तो कहेंगे ना। लो भाई तुम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, यू आर नॉट लिविंग, यू आर नॉन लिविंग। हेलो, ऐसे कैसे हो जाएगा, उसको तो बेचारे को तुम कम्युनिटी से बाहर कर दोगे, तुम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तुम पहाड़ों के साथ रहो, जाओ झीलों के साथ रहो, ऐसे कैसे चलेगा। तो बेटा जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे उन्हें भी तो लिविंग कहेंगे ना हम। तो दूसरी बात क्या निकल के आए कि रिप्रोडक्शन आल्सो नॉट डिफाइनिंग फीचर, लिख लीजिए बच्चों, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग थिंग्स। तो रिप्रोडक्शन भी किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है ना। ओके, क्लियर सर, आपने दो चीजें पढ़ाई आज, एक आपने ग्रोथ बताया, तो ग्रोथ भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है क्योंकि पहाड़ों में भी ग्रोथ हो रही है। दूसरा आपने बताया सर रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है क्योंकि सर हमने म्यूल को पैदा कर लिया और म्यूल फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, आगे ड्रोन अपनी कॉलोनी आगे नहीं बता सकती, अपना परिवार नहीं बसा सकती। तो बेटा इसका मतलब ये कैसे है, इनफर्टाइल, कैसे है बेटा, इनफर्टाइल है। अब हम तीसरे की बात करेंगे जो डिफाइनिंग फीचर है, तीसरा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म लिखो, ठीक है, मेटाबॉलिज्म।
तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है पहले समझते। देखो हमने डाइजेशन जब पढ़ा था तो याद करो बच्चों, डाइजेशन में हमने पढ़ा था कि जो फूड होता है उसे डाइजेस्ट कर लिया जाता है और डाइजेस्ट करने के बाद उससे हमारी बॉडी एनर्जी ले लेती है। तो यानी फूड का डाइजेशन एक तरह का मेटाबॉलिज्म है, यस या नो? यस। तो इसका मतलब वो डाइजेशन है। तो कैसे? तो देखो मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। पहला, ठीक है, एक तो होता है बेटा एनाबॉलिज्म और एक होता है बेटा कैटाबॉलिज्म। तो एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है बच्चों कैटाबॉलिज्म। सभी ने लिखा, एक को तो क्या कहा है हमने एनाबॉलिज्म और एक को क्या कहा है बेटा हमने कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होता है, बिल्डिंग अप, ठीक है, या फॉर्मेशन होता है बेटा बनती है चीजें, और कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता है या डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। जब हमारे घर में यहां पे बिल्डिंग बन रही होती है तो हम क्या कहेंगे बच्चों उसको? देखो तो जब हमारे यहां पे बिल्डिंग बन रही है तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं बेटा? कंस्ट्रक्शन। और जब वो बिल्डिंग टूट रही होती है तो डीकंस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन या डीकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। लाइफ क्या है अमन यादव? लाइफ क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम, बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ। बेटा ये लाइफ स्पॉन और एक लाइफ है आपका। तो लाइफ क्या है बेटा? जो एक पीरियड है बेटा हमारा जो लाइफ स्पॉन का उसमें, और लाइफ किससे प्रोसेस शुरू होगा कि लाइफ जो इवॉल्विंग हो, रेप्लिकेटिंग हो, ठीक है बेटा, मेटाबॉलिज्म हो जिसके अंदर, उन सबको हम लाइफ कह सकते हैं। इवॉल्विंग जो ग्रोथ कर सके, रेप्लिकेटिंग जो अपनी कॉपी बना सके, मेटाबॉलिक जो अपने आप के अंदर मेटाबॉलिज्म कर सके, वो सब एक लिविंग है, ठीक है। अब सुनो बच्चों यहां पे इसके साथ में अगर हम समझने की कोशिश करें बेटा दूसरी चीज यहां, तो एनाबॉलिज्म बिल्डिंग अप है, फॉर्मेशन है। तो ऐसा कहां देखने को मिलता है? प्लांट्स में। प्लांट्स में, प्लांट्स ऐसा करते हैं ना बच्चों, याद करो, रूट से, देखो रूट से क्या करते हैं बच्चों? हम देखते हैं कि रूट अपना न्यूट्रिशन, जो रूट अपना जो न्यूट्रिशन होती है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। कहां से एब्जॉर्ब करती है बच्चों? सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। और जब वो सॉइल से अब्सॉर्ब करती है तो उन्हीं, जब वो सॉइल से अब्सॉर्ब करती है बच्चों, तो उन्हीं मटेरियल्स को, उन्हीं फूड मटेरियल्स को वो क्या करती है? लेकर आती है लीव्स तक। कहां तक लेकर आती है बच्चों? लीव्स तक लेकर आती है। और वहां फिर फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाया जाता है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ फूड। तो ये एनाबॉलिज्म प्रोसेस होगा। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चों, इसको क्या कहेंगे अपन? फोटोसिंथेसिस। और कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता है जैसा एनिमल्स करते हैं, एनिमल्स करते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा बेटा इसका? डाइजेशन, जिसमें हम बड़ी चीजों को तोड़ करके छोटी चीजें बनाते हैं और उन छोटी चीजों को, उन छोटी चीजों से फिर हम क्या करते हैं बच्चों? हमारे बॉडी के अंदर उनसे एनर्जी लेते हैं। तो ब्रेकडाउन को हम कहते हैं बेटा कैटाबॉलिज्म और एनर्जी। अब मेरी बात सुनो, माउंटेन के पास कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, इस बोर्ड में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, इस मार्कर में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा,
लेकिन मेरे पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, बिल्कुल है। लेकिन आपने देखा होगा कि सर कोई केमिकल रिएक्शन तो हम कहां करवा सकते हैं, लैब में भी करवा सकते हैं। हमने एक कोई भी बीकर लिया और उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए, तो बताओ मेटाबॉलिज्म एक रिएक्शन हुई क्या नहीं हुई? हुई सर, लेकिन वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, बाहर है। कहां है बच्चों? वो बाहर है। और जो हमारे बॉडी के अंदर है, समझ लीजिए मेरी बात को, कि जब बेटा मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल होगी तो लिविंग कहलाएगा, और अगर वो बाहर हो रही है तो वो लिविंग थिंग का कैरेक्टर नहीं होगा। बिल्कुल कह सकते हैं अपन, दो फेज होते हैं बेटा, एक इन विट्रो और एक इन वीवो। आप लोगों ने सुना है बेटा, इन वीवो का मतलब जिसमें आप देख सकते हैं कि आउटसाइड हो रहा है बेटा, और इन वीवो इन विट्रो जिसके अंदर इनसाइड हो रहा है। तो अगर मैं समझूं तो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर, मैं लिखता हूं मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर बट इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। लिख लो, डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन लेकिन क्या होता है बच्चों, ये यहां पर इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, ठीक है बच्चों, इनसाइड द सेल। अगर इनसाइड ग्लास करेंगे तो नहीं होगा बच्चों, नहीं। अमन, अगर हम ग्लास में कर रहे हैं या अगर हम किसी बीकर के अंदर कर रहे हैं तो वहां मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। तो लिख लीजिए बेटा, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। कल की क्लास में हम कॉन्शियसनेस को डिस्कस करेंगे और टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स को। सभी बच्चे पढ़ के आए, चैप्टर को अंडरलाइन करो और चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना ही, आगे हम कल करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।